नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज अप टू डेट पर। यहाँ पे मैं समय समय पर नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ, आप देखते हैं और आपका रिवीजन हो जाता है। और ज़्यादा अधिक नॉलेज प्राप्त करना है तो आप अपनी जो प्रॉपर बुक होती है उसमें से देख के अधिक नॉलेज प्राप्त करते हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के पर्पज से होते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाएं, क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना के रखे हैं, वहां से आप अपना मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। जो भी वीडियो देख लेते हैं उसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने से लाइक के बटन का कलर चेंज हो जाता है, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वीडियो आपने देख लिया है, उसके बाद नया वीडियो देखिए। इस प्रकार जब आप एक एक करके सारे वीडियो देख लेंगे तो आपका नॉलेज पावरफुल हो जाएगा, ये गारंटी है। तो बात करते हैं आज नए टॉपिक की। हमारे एक साथी है सोनू सिंह, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि सर, जब हम लोग 5 नॉज पर ट्रेन चला रहे होते हैं और ब्लोअर चलाने के लिए BLVMT दबाते हैं तो DJ ट्रिप हो जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, वो मेरे ख्याल से क्या पक्का ही है, वो ऐसा यूनिट वाले लोगों की बात कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा यूनिट वाले लोगों में बिना ब्लोअर चलाए 5 नॉज तक लोगों को मूव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप नॉच लेते हैं तो नॉच लेने से पहले BLVMT को क्लोज करके ब्लोअरों को चला देना चाहिए, उसके बाद ही नॉच लेना चाहिए। अगर आप बिना ब्लोअर चलाए नॉच लेते हैं तो ये गलत सिस्टम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो प्रश्न किया है उसका जवाब देते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जब हम 5 नॉच से चल रहे हैं और अब हमको अगर ब्लोअर चलाने की इच्छा हुई या जरूरत महसूस हुई, क्योंकि 5 से ज्यादा ले लेंगे ना बिना ब्लोअर चलाए तो 6 नॉच पर DJ ट्रिप हो जाएगा, इसलिए उनको ब्लोअर चलाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ब्लोअर चलाने के लिए BLVMT क्लोज करते हैं, 5 नॉच लेके रखा है, तो DJ ट्रिप हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि Q44 की ब्रांच पे QVSI 1 और 2 के एनो इंटरलॉक दिए हुए हैं, उनको GR0 से बाईपास किया हुआ रहता है और इधर HVSI से बाईपास किया हुआ है। तो HVSI तो नॉर्मल एक पे ही है तो वहाँ कट पैदा रहता है, और QVSI के द्वारा वो Q44 मेंटेन होती है और इधर GR0 के द्वारा। तो GR किसी नॉच पे, यानी कि 5 नॉच पे है, और यहाँ पे QVSI का एनो इंटरलॉक लगा हुआ था क्योंकि MVSI चल रहा था, ऐसा यूनिट चल रहा था, ब्लोअर नहीं चल रहे थे, MVMT1, MVMT2 और MVRH नहीं चल रहा था, MVSI तो चल रहा था, तो एनो लगे हुए थे, Q44 मेंटेन थी। अब 5 नॉच लिया हुआ है और आपने क्या किया, BLVMT को क्लोज किया। BLVMT को क्लोज करते ही ऐसा यूनिट एक बार बंद हो जाता है 2 सेकंड के लिए, तो क्या होगा, जैसे ही ऐसा यूनिट बंद होगा MVSI भी बंद हो जाएगा, और MVSI भी बंद हो गया तो फिर QVSI के एनो इंटरलॉक खुल जाएंगे। इधर GR5 नॉच पे तो वो भी खुला हुआ है क्योंकि GR0 पे लगता है, इधर QVSI का खुल गया, उधर HVSI का भी खुला हुआ, तो Q44 डी इनर्जाइज हो जाती है और वो DJ को ट्रिप कर देती है, ठीक है। अब उन्होंने आगे तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया कि DJ क्यों ट्रिप होता है। इसलिए वहां पे जब आप BLMD क्लोज करेंगे तो DJ भी ट्रिप हो जाएगा। आप BLMD क्लोज कर दीजिए, कोई बात नहीं, और उसके बाद आप वापस DJ क्लोज कीजिए तो ऐसा यूनिट भी चालू हो जाएगा और ब्लोअर भी साथ में चालू हो जाएंगे। आपके प्रश्न का जवाब हो गया। अब नेक्स्ट आगे ये लिखते हैं, परंतु जब यदि ब्लोअर चलाने के बाद हायर नॉच से 1 से 5 नॉच लेके BLVMT खोलते हैं तो DJ ट्रिप नहीं होता है और ब्लोअर भी ऑफ हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, उस समय DJ ट्रिप नहीं होगा। उसमें DJ ट्रिप इसलिए नहीं होगा कि वहां पे जो कॉन्टेक्टर के ऊपर C105, C106, 107 के ऊपर में BLVMT का लगा है, तो जैसे ही आप BLVMT को ओपन करते हैं तो BLVMT को ओपन करते ही क्या होगा कि वहां पे 105, 106 ब्लोअर बंद हो जाएंगे, लेकिन DJ ट्रिप नहीं होगा। DJ ट्रिप इसलिए नहीं होगा कि वहां पे जैसे ब्लोअर को ओपन करेंगे तो ब्लोअर को ओपन करने से क्या होगा कि वहां MPJ का तो कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, ब्लोअर खाली ओपन हो जाएंगे और वहां ऐसा यूनिट तो बंद होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि BLVMT तुमने ओपन किया है। ऐसा यूनिट कब बंद होता है, जब BLVMT को क्लोज करते हैं तो ऐसा यूनिट बंद होता है। अब यहां तो BLVMT ओपन किया है, ब्लोअर बंद हो गए और VCB भी ट्रिप नहीं हुआ, ठीक है, और ऐसा यूनिट भी बंद नहीं हुआ,
इसलिए MVSI भी बंद नहीं हुआ, QVSI के एनो इंटरलॉक Q44 पे लगे हुए, भली पांच नॉच पे किया तो भी उनका कहना ऐसा है कि पांच नॉच पर, पहले पांच नॉच पे हो रहा था, अभी पांच नॉच पे माना रिग्रेस किया और BMD ओपन किया तो नहीं हुआ, तो अभी नहीं होगा क्योंकि Q44 पे कट पैदा नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा आपको प्रैक्टिकली करना नहीं चाहिए, नॉच कभी भी लेना है तो पहले BLVMT को क्लोज करो, ब्लोअर को चलाओ, उसके बाद ही नॉच लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके दोनों प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला हो तो फिर से कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों एक चैनल है अपनी प्यारी महान संस्कृति, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में डाला हुआ है, वहां से आप क्लिक करके उस चैनल को खोलें, सब्सक्राइब करें, उस पर मैं अच्छे अच्छे वीडियो भेजता हूं, उससे आपका दिमाग का विकास होगा। वो वीडियो आप भी देखें, आपके परिवार को भी दिखाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, बचाने में हमारी मदद करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।